इलेक्शन से पहले अदालतों में तलब किया जाना कबलज इलेक्शन धांधली का आगाज है। ये आज से नहीं बहुत पहले से आगाज हो चुका था। इस दिन आगाज हुआ जब मुझे नाहल किया गया, पार्टी सदारत से हटाया गया, हमारे उम्मीदवारों को पार्टी टिकट से महरूम कर दिया गया। नवाज शरीफ की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में अजहर खान केस की समाअत शुरू। नवाज शरीफ कहाँ हैं, एक घंटे में हाजिर हों। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ को बुला लिया। जावेद हाशमी कोर्ट पहुंच गए, समाअत एक घंटे के लिए मुलतवी। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ कोर्ट पेश, प्रोसिक्यूटर नैब के दलाल जारी। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस पर भी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात की समातें। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और साबिक स्पीकर अयाज सादिक की दरख्वास्तों पर समात, दीगर अहम केसेस भी जेरे गौर। कोयटा में निगरान वजीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का कहना है कि ऑपोजिशन ने तमाम जमातों को एतमाद में नहीं लिया। पंजाब की पार्लिमानी कमेटी का इजलास 11 बजे होगा। जली इश्क अली की। उसका अली मौला शेर खुदा हजरत अली अलैहि सलाम का आज यौम शहादत। लाहौर की मुबारक हवेली से मरकजी जुलूस बरामद। कराची में जुलूस दोपहर 1 बजे बरामद होगा। नजफ में रोजाए हजरत अली अलैहि सलाम पर आजादारों की हाजिरी। पाकिस्तान में सियासत कैसे होती है, सियासी रहनुमा और पॉलिसी मेकर किताब जरूर पढ़ें, सब पता चल जाएगा। 24 न्यूज से गुफ्तगू में रेहम खान ने कहा कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। तहरीक इंसाफ इनकी किताब से घबरा गई है। लोधरा खानेवाल रोड पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर खड़े कांस्टेबल को कुचल डाला। नासर की लाश अस्पताल मुंतकिल। और चीन ने डबल ड्रोन CH-4 और 5 का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ड्रोन 8,500 मीटर बुलंदी पर भी परवाज कर सकता है।